एक्स विवेक, और आप देख रहे हैं वीएक्स मोटर रिव्यूज़। तो मैं बहुत दिनों से मतलब सिर्फ रिव्यूज़ ही लेके आ रहा हूँ कार्स के, तो आज अलग टाइप की वीडियो है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं न्यू मारुति कार्स वर्सेस ओल्ड मारुति कार्स बिल्ड क्वालिटी। तो ज़रूर से वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो लाइक भी कर देना। तो चलिए अभी फटाफट से वीडियो स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं एर्टिगा, जो कि न्यू मारुति कार है। तो अभी इसके बोनेट के वज़न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका बोनेट ओपन होता है, और इसका वेट की बात करूँ तो डिसेंट वेट है, इतना कोई भारी भी नहीं और हल्का भी नहीं है, ठीक ठाक मुझे वज़न लगा। तो अभी इसको बंद करते हैं और ओल्ड मारुति कार का वेट देखते हैं। सो गाइस, शॉकिंगली मुझे ये हल्का लगा और वो वज़न वाला ज़्यादा लगा। तो मैं और एक बार अश्योरिटी के लिए चेक करता हूँ, इसको अभी ऐसे ही बंद करते हैं, वे अगेन ओपन करता हूँ मैं। भाई आप भी देखो ज़रा, आपको कौन सा भारी वाला लगता है ये। और अभी इधर आओ, ये ओपन कर देता हूँ, है ना? आपको भी ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ एर्टिगा का भाई, भारी है? ये भारी है, तो इनका भी, इससे हाँ ये भारी। इनका भी यही मानना है कि इससे तो वो भारी है। तो शॉकिंगली इसका वज़न ज़्यादा है। तो अब सीट क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों को डाउट होता है। तो थम से प्रेस तो हो जा रही है आराम से, यहाँ पे भी आप देखोगे और फेंडर्स पे भी आप देखो तो यस प्रेस हो जा रही है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्स हो रही है। तो हाँ, सीट क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है ये भी, और बाकी सारी चीज़ों की बात, ये टाइट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब उसकी सीट क्वालिटी चेकआउट करते हैं। ये उससे तो थोड़ी सी टफ लग रही है मुझे, पर अगेन ये क्रम्पल जोन रहता है तो उतनी भी टफ नहीं रहती। कंपेरेटिवली ये थोड़ी टफ है उससे। फेंडर क्वालिटी, ये मुझे शॉकिंगली अगेन ये लाइट लग रही है उससे, और वो ज़्यादा थोड़ी सी मतलब मज़बूत लग रही है, तो ये तो नॉट एक्सपेक्टेड था। हाँ, डोर्स पे मुझे डोर्स ज़्यादा इसके हेवी लगते हैं, उसका तो अभी ठीक है, नया नया डोर है इसलिए थोड़ा टाइट लगता है, पर अगेन वेट अगर कंपेयर करें तो ये दब तो जा रहा है वैसे, पर फिर भी उससे थोड़ी सी मोटी सीट क्वालिटी लग रही है। अगेन बिहाइंड भी ठीक ठाक है। और हाँ गाइस, तो एक्सटीरियर में तो मिक्स रिव्यू है। इसका बोनेट मतलब थोड़ा सा हेवी है, तो इसका बोनेट लाइट है, और बाकी कई कई कंपोनेंट्स इसके हेवी है, तो इसके कभी मतलब डिले पड़ जा रहे हैं, और इसके अगर हेवी है तो इसके लाइट पड़ जा रहे हैं, तो ऐसे मिक्स्ड बैग रिएक्शंस है। अभी इंटीरियर्स में चलते हैं और इंटीरियर्स का देखते हैं कि इंटीरियर्स में कौन सी गाड़ी का अच्छा क्वालिटी है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं डिज़ायर में आ जाता हूँ। तो अगर यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ तो ये बेंड हो रहा है या नहीं, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, पर अगेन हो रहा है, क्लासिक मारुति बिल्ड क्वालिटी। एंड अगेन यहाँ पे भी बेंड तो नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा है पर उतना भी नहीं है, और से खोखली सी फीलिंग नहीं आ रही इसमें, वो एक अच्छी बात है। यस, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक्स में है पर क्वालिटी अच्छी है, और कहीं से भी ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, यहाँ से आप आवाज़ सुन सकते हो, ये तो ठीक है, अभी पुरानी हो गई तो आवाज़ आ रही है, वो मैं मान सकता हूँ। और अगेन इसकी बात करें, हाँ तो ये देखो, यहाँ पे बहुत ही हल्की बिल्ड क्वालिटी दिख रही है, एंड यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कहीं कहीं डैशबोर्ड में अच्छी है बिल्ड क्वालिटी, तो डोर्स पे मार खा जा रही है। तो अभी पीछे चेकआउट करते हैं, पीछे भी सेम ही किस्सा रहने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है।
ये गाड़ी थोड़ी रफ यूज़ होती है, इसलिए सब कुछ आपको ऐसे दिशा मिलेगा। पर यहाँ पे अगेन डिसेंट है ये, तो इसकी मुझे डिसेंट लगी बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर से। और अगर बूट के वजन की बात करें तो बूट लाइट है, उतना वेटेड नहीं है इसका बूट, बहुत ही लाइट है, तो यस उतनी भी अच्छी नहीं है। तो अभी इसके इंटीरियर में चलते हैं। और अब मैं इसके इंटीरियर में आ चुका हूँ, और मुझे एक मतलब इसमें प्रॉब्लम नज़र आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो अभी इसकी डैशबोर्ड की क्वालिटी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लेक्स हो रहा है, यहाँ पे भी आप देख लो, इसे खोखला सा इसमें लगता है। आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हाँ, तो इसकी मुझे थोड़ी सी डाउन लगी उससे, ओल्ड मारुति कार से। और हाँ, मतलब जो फिट फिनिश है वो तो ठीक है, इतना कुछ ऐसे लूज या फिर आवाज़ नहीं आ रही। इसकी अगेन आवाज़ आ रही है, आप देख सुन सकते हो। और ये अभी तक चली है सिर्फ 8,862 किलोमीटर्स, सो फिट फिनिश इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़ा सा वॉबल हो रहा है, तो भाई ये ज़रा पकड़ना, क्या कैमरा भी हिल रहा है, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा तो वॉबल हो रहा है। और अगेन आपको डोर की क्वालिटी अब चेकआउट कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो जा रहा है, ये उससे तो काफ़ी हल्की है भाई, मतलब अगर मैं उससे इससे ज़्यादा फोल्ड करो तो ये टूट भी सकता है, इतनी हल्की है। और जो मैं आपको प्रॉब्लम की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, तो ये है प्रॉब्लम, आप शायद से नोटिस कर पाओगे या नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब ये पूरा फ्रेम हिलता है जब आप देख सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये इसी डोर पे है, दूसरे डोर से भी वही प्रॉब्लम है। फोकस करना भाई, फ्रेम हिलता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो डिसेंट है, इतनी अच्छी नहीं है ना ही इतनी बुरी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वॉबल तो हो रहा है। चलिए अभी पीछे की क्वालिटी चेकआउट करते हैं। पीछे भी मुझे तो सेम, ये तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, इतना तो उस गाड़ी में नहीं था, तो ओवरऑल डिप्लीशन तो आया है बिल्ड क्वालिटी में। ये देखो तो फ्रेम ऐसे ही निकल जा रहा है, ऐसा तो उस गाड़ी में नहीं था। ये मैं अगर इससे ज़्यादा ही फोर्स लगाऊं तो ये तो टूट भी जाएगा, निकल जाएगा फ्रेम, तो ये दिक्कत है। बाकी तो यहाँ पे तो सेम इशू है, उसमें भी है डिज़ायर में, पर इतना ज़्यादा नहीं फ्लेक्स हो रहा। और अगेन बाकी सारी चीज़ों की बात करें, हाँ तो ये ठीक ठाक है, वॉबल तो हो रहा है, आप भी आप देख सकते हो। और मुझे एक बात और अच्छी नहीं लगती जो मारुति सुजुकी कार्स की रहती है, वो शायद से तो हर ब्रांड ऐसे ही है कि ये जो है स्विचेस वो सेम टू सेम डिज़ायर से ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसे अंदर से बैठने में कोई अलग नहीं ऐसे लगती इतनी ज़्यादा डिज़ायर से, थोड़ी ऊँची है और अंदर थोड़ा सा प्रीमियमनेस ज़्यादा है, बस उतना ही डिफरेंस लगता है, बाकी ये सब कुछ सेम ही लगता है उसका। और स्पीकर क्वालिटी का अगर आपको देखना है तो आई बटन में यहाँ पे आ चुका होगा, उसमें आप देख सकते हो। अगेन मुझे मैंने हेडलाइट के भी की हुई है, और अगली वीडियो ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट का आएगी, और देखते हैं उसमें शायद से मैं स्विफ्ट डिज़ायर वर्सेस एर्टिगा ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करूँगा, या फिर सिर्फ एर्टिगा का ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करूँगा, वो देखते हैं, समय के साथ पता चल जाएगा आपको। तो इसके अभी बूट के बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जो कि अगेन मुझको आप मुझे आपको दिखानी है। हाँ, ये भी बहुत ही लाइट है, वो तो छोटे से डिज़ायर की तो छोटा था, फिर भी वो हल्का था, ये तो उससे भी हल्का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो
काफ़ी ज़्यादा मुझे शॉकिंग लगा कि इतने हल्के प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं मारुति सुजुकी। और तभी तो इनके गाड़ियों की वेट इतने कम होते हैं। अगर आप टाटा अल्ट्रोज लेते हो उससे मतलब एर्टिगा से वो ज़्यादा हैवी है, तो आप समझ सकते हो कितना मतलब कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो रही है। तो क्या करें, अब ले लिया तो यूज़ भी कर रहे हैं। वैसे माइलेज मशीन तो ये है, अब देख सकते हो 19.4, इसका कोई तोड़ नहीं। अल्ट्रोज भी इतने माइलेज नहीं देख सकती। वैसे उसमें भी डीजल इंजन 1.5 लीटर का ही आता है, और इसमें भी यही है। और यही एक इंजन था जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन में आता था मारुति का। यस, तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने कुछ मतलब अलग ट्राई किया था, तो वैसे भी दोनों गाड़ियाँ आज थी तो अवेलेबल, तो मैंने कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड क्लियरेंस का भी टेस्ट आएगा, और उसमें मैं अनलेडन और लेडन दोनों ग्राउंड क्लियरेंस का टेस्ट करूँगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्पीड ब्रेकर है, तो उस पर मैं टेस्ट करूँगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।